ये मछली जैसा क्या बनाई हो कुमार, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा लाजवाब सब्जी बना है, देखिए। आओ, सच में बहुत लाजवाब है ये दोस्तों। ये देखिए सरसों वाली मसालेदार, ये मछली तो लग नहीं रहा है, क्या चीज बनाई हो ये? नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रुई के पत्ता को, इसको मछली जैसा सब्जी बनाएंगे। पहले इसको हम अच्छे से धो लेते हैं। देखिए आप लोग, इसको इस तरह से हम धो लेंगे। देखिए इसमें दो तरह के पत्ते हैं, ये हुआ ओरिजिनल है और ये थोड़ा जंगली टाइप का है। फिर भी हम इसको अच्छे से बना देंगे दोनों को मिक्स करके सब। देखिए हम इसको धो दिए हैं अच्छे तरीके से, और ये देखिए दो रंग के है ना पत्ता, इसको हम मछली की तरह बनाएंगे। और ये रहा मसाला, धनिया है, लहसुन है, जीरा है, मिर्ची है, हल्दी है, इसमें थोड़ा खट्टा भी हम डाल देंगे, खट्टा भी है थोड़ा इसमें, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। हाँ। देखिए हम मसाला पीस लिए हैं, अब जा रहे हैं इसको बनाने। पहले हम इसमें बेसन डालेंगे। क्या चीज का बेसन है? खेसारी का भी डाल सकते हैं, चना का भी डाल सकते हैं, चने का बेसन आप डाल सकते हैं, दोनों अच्छा है। अच्छा, बेसन में मसाले को मिला देना है। हाँ, इसको इस तरह से मिला देंगे। पत्ते के ऊपर अच्छे से बेसन को लगा देना है ऐसे करके ना। इसको हम भी एक साइड में इसको रख देते हैं, दूसरे वाला को लगा के उसके बाद हम एक ही साथ सबको डालेंगे। हम इसको लपेट लिए हैं दोनों के अच्छे तरीके से। अब हम इसको, पानी गर्म हो गया, इसमें इसको इसे डालेंगे इस तरह से, और 7 से 8 मिनट तक इसको भफाएंगे। इसको हम ढक देते हैं अब। अच्छा, ऐसे मछली के पीस, मछली की तरह कटिंग कर लेना है। इसको इस तरह से काट के तब हम इसको तेल में तलेंगे। अच्छा, गमक से तो लग रहा है कि मछली जैसा ही कटिंग हो गया है। देखिए इसको कटिंग करके इस तरह से मछली जैसा लग रहा है देखने में। तलेंगे ना तो इस समय। देखिए हम इसको मछली जैसे फ्राई कर दिए हैं अच्छे से, पूरी तरीके से लाल हो गया है।
और इसको सब्जी हम बनाने जाएंगे। मछली जैसा लग रहा है देखने में, देखिए आप लोग, ये सारा पीस है जो सेम टू सेम जैसे मछली हम लोग फ्राई करते हैं ना, उसी तरह से ये मछली जैसा लग रहा है ये देखने में। अब इसको क्या करना है, कढ़ाई दिखा चुके हैं, इसमें तेल डालेंगे, राई के फोरन डालेंगे और ये देखिए मसाला पीसे हुए हैं। इस मसाले में क्या क्या डाले हैं? इसमें है सरसों, धनिया, मिर्ची, हल्दी। अच्छा, उसका मसाला अलग था, इसका मसाला अलग है। हाँ, देखिए कढ़ाई को हम दिखा लिए, मछली जैसा सेम टू सब मसाला डालेंगे। इसको हम फोरन जरा के हम इसको टमाटर भी डालेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा भूजेंगे और नमक भी डालते हैं। आप लोग ये मसाला का कलर देखिए कितना अच्छा ये कलर हो गया है, ये देखिए मसाला का कलर कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए वाह, एकदम मछली जैसा ये मसाला लग रहा है और इसका खूबसूरत कलर हो गया है। अब इसमें पानी डाल रहे हैं, आप लोग देखिए, ये देखिए सेम प्रोसेस मछली जैसा होगा इसमें। अब इसको कितना मिनट खदकाना है? 5 से 10 मिनट तक इसको। देखिए रस को हम खदका लिए हैं, इसको अभी हम इसमें डालेंगे। मछली जैसा डाल रही हो? ये चारों हम रख लेंगे, मेरे बाबू सब रस नहीं खाएगा, इसको खिलाएंगे बाबू लोग को। ऐसे भी खा सकते हैं हम लोग। ये मछली जैसे क्या बनाई हो कुमार, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा लाजवाब सब्जी बना है, देखिए। सच में बहुत लाजवाब है ये दोस्तों, ये देखिए सरसों वाली मसालेदार। ये मछली तो लग नहीं रहा है, क्या चीज बनाई हुई है? ये अभी का मस्का को छान के इसको रस करके सब्जी बनाए हैं, बहुत लाजवाब। ये पहले यहाँ से ऐसे करके रोटी के आप लोग तोड़ लीजिए और ऐसे करके ये देखिए, ये दोस्तों आप लोग देखिए कितना मस्त लग रहा है ये देखने में। सच में दोस्तों ये सब्जी जो है बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही अच्छा लगा हमको खाने में। आप लोग भी अपने घर में अच्छे से बना सकते हैं, जो कि आप लोग देखे होंगे, देखिए वीडियो को, फुल वीडियो देखिए और ऐसे करके आप लोग बना